नमस्कार, मैं उमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और हमारे आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल SPS थाना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत खुशी है आपसे और आपके व्यूअर से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला और बहुत ही अहम चर्चा के लिए हमारे इस चैनल पर आए हैं। सर, आज का जो चर्चा का विषय है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार यानी कि 23 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों की पहली द्विपक्षीय मुलाकात हुई है ब्रिक्स समिट के साथ साथ। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, दोनों की बातचीत हुई है और कई सारे अहम मुद्दों को लेकर बात हुई। और ये जो बातचीत है, जो भी इंडिया चाइना के बीच जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की जो बात हो रही है उसके ठीक बाद ये मुलाकात और ये जो बायलैटरल टॉक हुई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज और सिग्निफिकेंट ऑफ दिस बायलैटरल टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना? देखिए, ये जो बायलैटरल टॉक हुई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए भी, चीन के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। और जिस किस्म से हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है आगे, तो मेरे विचार से उसके लिए भी ये वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इस वार्ता से, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया में जिस किस्म से इस वार्ता को बताया गया है, उससे ज़्यादा हमें वो ओवर हाइप भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसका विश्लेषण इस तरीके से करूँगा कि क्या हुआ है, उसका क्या मतलब है और क्यों हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज सर, अभी सबसे पहले मैं आता हूँ कि ये बातचीत हुई तो हुई क्यों, क्योंकि ये तो स्टैंड ऑफ तो कई सालों से चल रहा है, पहले भी हो सकती थी बात, पांच साल बाद बात हो रही है। तो सबसे पहले कि कंपल्शन क्या है चीन के सामने कि क्यों वो इस बातचीत के लिए माने कि एक वार्ता हो या एक एग्रीमेंट हो जो देपसांग और देमचौक के बीच में अटका हुआ था। सबसे पहले हाल ही में अगर आप देखें तो चीन साउथ चाइना सी में काफी हद तक उलझा हुआ है, ताइवान के ऊपर भी काफी उलझा हुआ है, ताइवान को भी कुछ इस किस्म के हथियार अमेरिका दे रहा है जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है। उसी मुताबिक फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, उनके साथ भी थोड़ा बहुत उनकी जो बोट्स हैं उसके वो कभी टकरा जाती हैं और वो लोग भी अभी थोड़ा सा रेजिस्ट करने लगे, जो कि एक थोड़ा सा चीन के लिए डिस्टर्बेंस वाला सिचुएशन है। इकोनॉमी चीन की उतनी अच्छी नहीं चल रही है, उनका जो अंदर की जो इकोनॉमिक हालत है, माली हालत है, वो थोड़ी ख़राब है। साथ ही साथ यूरोप से भी उनको पुशबैक मिल रहा है, उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 100% और 50% टैरिफ लगा रहे हैं अलग अलग, तो इकोनॉमिकली भी उनको दिक्कत हो रहा है। तो अब चीन का नज़रिया भारत के सामने दो तरीके से आ रहा है। भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, भारत की सबसे तेज गति से इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, हमारी इकोनॉमी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। दूसरी चीज ये है कि आजकल के जमाने में जब भी कन्फ्रंटेशन होता है दो देशों के बीच में, तो वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक ही सीमित नहीं होता, वो जो एक से कहते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जिसमें इकोनॉमी भी शामिल है, पॉपुलेशन भी शामिल है, ट्रेड भी शामिल है, ये सब चीजें शामिल है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उनको ये नजर आता है कि भारत के साथ अगर ट्रेड आगे बढ़ाया जाए तो उसमें चीन को भी फायदा है। अब आती है बात भारत की बात, जाहिर है कि उन्होंने कुछ जो 2020 में वो सारे के सारे CBM को तोड़कर वो लोग आगे आ गए थे, जिस लाइन के आगे उन्हें नहीं आना चाहिए था, और उसके बाद ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। अब इस स्टैंड ऑफ से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें कुछ जगह डिसएंगेजमेंट हो गया। डिसएंगेज का मतलब जो ट्रुप्स हैं वो काफी दूरी हो गई, इतनी दूरी हो गई कि भाई आपस में अचानक से लड़ाई शुरू नहीं हो सकती। लेकिन दो जगह पर, देपसांग और देमचौक, यहाँ पर ये बहुत ही नजदीक हैं, यानी कि थोड़ा बहुत भी कुछ आपस में झड़प हो जाए तो उससे भी एक छोटी मोटी जो लड़ाई है या थोड़े से सिक्योरिटी हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो ये दोनों ही देशों के लिए जरूरी था कि किसी तरीके से इस डिसएंगेजमेंट को किया जाए। अब इस डिसएंगेजमेंट के लिए
जहां तक मेरा आइडिया है, हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो एग्रीमेंट हुआ है दो चार दिन पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस किया था कि हम एग्रीमेंट में पहुंच गए हैं, उस एग्रीमेंट की पूरी कंडीशंस अभी सामने नहीं आई है। हालांकि इस मीटिंग के बाद भी सामने नहीं आई है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उसमें क्या है कि दो चीजें जरूर यकीन की जाएंगी। एक तो देपसांग और डेमचौक में आपस में दूरी इतनी हो जाए ताकि अकस्मान या अचानक से कोई स्कर्मी शुरू ना हो, और दूसरी चीज क्या है कि कुछ जगह हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे इसी इन्हीं दोनों इलाकों में। देपसांग कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर समझाने के लिए काफी है कि उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा रहे थे, चीन ने मना कर दिया। साथ ही पलट कार्रवाई हमने भी की थी, कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ऐसे जैसे बुटसे नाम की एक जगह है, वहां पर उनकी पेट्रोल आती थी, वो हमने मना कर दिया। तो अब ये माना जाएगा कि इसके बाद में शायद दोनों जो पेट्रोलिंग हैं वो उसके ऊपर कुछ सहमति बनी है कि ठीक है आप यहां तक आ जाइए हम वहां तक आ जाएंगे। क्यों ये पेट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है इसको भी समझा दूं कि जहां पर भी हमें लगता है कि भाई ये हमारा इलाका है और उन्हें भी लगता है कि ये भी हमारा इलाका है, तो दोनों ही साइड ये चाहेंगे कि हम उस इलाके में जाएं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, और मौजूदगी दर्ज कराने से ऐसा होगा कि हमारा जो क्लेम है उस इलाके पे वो बरकरार रहेगा, और इसको हम मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ना हम मिस करना चाहते हैं ना चीन मिस करना चाहता है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है जी। अब इस जो जो समझौता हुआ है इससे ये उम्मीद की जा सकती है, उसके बाद जो ये बातचीत है इसको एक तरीके से आप एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के तौर पे उसका पहला कदम मान सकते हैं। तो पहला कदम में उन्होंने क्या क्या बातचीत की है कि एक दूसरे के तरफ ये इंडिकेट किया है कि भाई बाउंड्री डिफरेंस नहीं होने चाहिए, और जो भी अगर ऐसी हालातें पैदा होती हैं तो दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारी तरफ से अजीत डोवाल और उनकी तरफ से वांगी जो कि पॉलिट ब्यूरो के भी मेंबर हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पर हैं, तो उन दोनों की बातचीत चलेगी। उसी मुताबिक जो पहले के एग्रीमेंट हुए थे रेस्टोरेशन ऑफ पीस ट्रैंक्विलिटी के ऊपर 93 में, 96 में, 2005 में, 2012 में और 2013 में, और ऐसे करके हमने कई एग्रीमेंट साइन किए थे कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अपने अपने फोर्सेस को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यानी कि ऑर्डर्स पास किए जाएंगे कि उसको वायलेट ना किया जाए। तो उसमें यह है कि भाई आप हथियार लेके नजदीक नहीं जाएंगे ताकि अचानक से झगड़ा ना शुरू हो जाए या गोलाबारी ना शुरू हो जाए, और उसी मुताबिक दोनों ही ने आप एक दूसरे के ऊपर ये बातचीत की के है कि भाई एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को साफ जाहिर किया है कि भाई जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है हम दोनों का और एक बराबरी के दर्जे से हम बात करें, और उसी मुताबिक आगे के जो अगर जहां कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि सहमति नहीं बनती किसी बात पे तो उसके ऊपर कम्युनिकेशन किया जाए। तो ये तकरीबन जैसा कि अभी फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया है इस मुलाकात के बाद ये बातें उभर के सामने आई जी। सर एक अहम बात और एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, क्योंकि चाइना का जिस तरह का मिजाज रहा है और जो हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए ये सवाल सामने आता है कि क्या ये जो समझौता हुआ है एलएसी को लेकर भारत और चाइना के बीच और जो उम्मीद की जा रही है क्या ये परमानेंट रहेगा, क्योंकि आज चाइनीज इकोनॉमी है वो थोड़ी डाउन है, कल इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई तो क्या वापस से चाइना उसी तरह उसी चीज को रिपीट करने की कोशिश करेगा भारत के साथ, या इसको हम परमानेंट समझें भारत और चाइना के बीच जो समझौता हो रहा है? देखिये इसको परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जो चीन के इंटरेस्ट हैं भारत के खिलाफ वो वैसे के वैसे ही हैं, उसमें कोई बदली नहीं है। मिसाल के तौर पे देखिए चीन का सबसे बड़ा एम रहता है कि उसको चाहिए कि मैं एशिया में उसका प्रभुत्व हो, चाइना सेंट्रिक एशिया उनका एम है, ये उनका एक सामरिक एम है। और जब आती है बात बाउंड्री की तो बाउंड्री पे ऐसा है कि पहले अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा यहाँ पे कि ये इलाका तिब्बत का है, पहले भारत की चीन के साथ कोई बाउंड्री नहीं थी, तिब्बत के साथ बाउंड्री। जब चीन ने तिब्बत को कैप्चर किया और उससे पहले हम क्यों कश्मीर की बात करते हैं और क्यों लद्दाख की बात करते हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जब हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके पूरा का पूरा कश्मीर हमें दिया था तो उसमें जो लद्दाख में जो बाउंड्री थी वो हरि सिंह मानते थे कि जॉनसन लाइन है वो बाउंड्री है,
और जो जॉनसन लाइन उन्होंने हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिख कर दिया, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि ये हमारी बाउंड्री है और उसके मुताबिक एक्साइज चीन भारत का होना चाहिए, ये हमारी ऑफिशियल पोजीशन। चीन इसके बरखिलाफ क्या करता है, वो ये कहता है कि जब उसने तिब्बत को कैप्चर किया, वो बोलता है कि भैया जो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो भी समझौते हुए थे वो मैं नहीं मानता, स्वतंत्र भारत और चीन के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ आज तक बाउंड्री के ऊपर। तो एक तरीके से उनके हिसाब से हमारे बीच में आपस में कोई समझौता नहीं, उनके हिसाब से अगर उनकी जो उनका लॉजिक माना जाए, क्योंकि मैं चीन भी तकरीबन 5 बार जा चुका हूं और सारे उनके स्कॉलर्स के साथ काफी डिस्कशन कर चुका हूं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं समझाता हूं, तो उससे एक चीज निकल के सामने आएगी कि अगर चीन ऐसे बिहेव करता है तो क्यों करता है। दूसरी चीज क्या है कि चीन ने ये कहा था तकरीबन 1959 में कि भाई आप एक जो लाइन है जो अभी का LAC है उसको उसने बोला कि जी ये लाइन है और इसको आप बॉर्डर मान लीजिए, जो जो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नहीं माना और उन्होंने बोला कि हम फॉरवर्ड पोस्चर में जाएंगे और उसके बाद 62 की लड़ाई हुई। 62 की लड़ाई में वो इस लाइन तक आए थे और उनका ये मानना था कि भाई आपको हरी सिंह ने लाइन दे दी वो ठीक है, लेकिन वहां पर आपके आदमी नहीं थे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव करता है कि ये इलाका उनके पास था, उनका तो इलाका है ही नहीं, था तो तिब्बत का इलाका। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब उनकी मर्जी आती है वो बोलते हैं जी हम, मैं ब्रिटिश वाली बाउंड्री लाइन को ही नहीं मानता, तो वो बोलते हैं कि हम इसमें हम मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानते। लेकिन जब इनकी बातचीत हुई थी, मैकमोहन लाइन साइन हुई थी, तो इनका इनर और आउटर तिब्बत मतलब चीन के बीच का ही जो हिस्सा है उसमें भी वो लाइन मानी गई थी, तो उसमें भी वो बोलते थे कि जी हमने वो लाइन तो उन्होंने मान ली। उसी मुताबिक आपको याद होगा दोकलम में वो हमें बोल रहे थे कि जी वो लाइन मैं नहीं मानता, लेकिन अचानक से एक बार वो बोलने लगे कि हमारे 1890 की एक लाइन है वो हमारे और ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में साइन हुई थी, वो बोलते हैं जी वो मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि उसके मुताबिक जो ट्राइजंक्शन है इंडिया भूटान और चीन का वो सिलीगुड़ी से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उसमें उसको फायदा हो रहा था। तो जब उसको फायदा होता है तो बोलता है मैं मान लेता हूँ, जब उसको फायदा नहीं होता है बोलता है मैं नहीं मानता हूँ। अब भारत का इसमें क्या जो स्टैंड होना चाहिए और जो है कि भाई हम तो बोलते हैं कि हमें महाराजा हरि सिंह ने ये बाउंड्री दी तो ये बाउंड्री है, बात खत्म। अब बात बनती है ईस्टर्न एरिया की। ईस्टर्न एरिया में हम बोलते हैं कि भैया ये मैकमोहन लाइन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत में साइन हुई इसलिए ये बाउंड्री है, और इसी बाउंड्री पर इसी मैकमोहन लाइन के जो अलाइनमेंट है जो लाइन है तकरीबन उसी पर आपने बर्मा के साथ अगर अपना समझौता कर लिया सीमा का तो इंडिया के साथ क्यों नहीं करते हो? तो ये हमारा लॉजिक वहां पे ईस्ट की साइड आता है। अब चीन का ये कहना है और वो कोशिश क्या करते हैं, इन्होंने अपनी जो जनता है उसको ये नहीं बताया हुआ, उनको ये बताया कि उन्होंने ये बताया कि यही बॉर्डर है, और जब ये स्टैंड ऑफ हुआ था तो इन्होंने चीन की जनता को ये बताया है कि देखिए हम पहले पीछे रहा करते थे और भारत बहुत ज्यादा फौजें लेके आ गया बॉर्डर पर इसलिए हम आगे चले गए। तो वो भी अपने हिसाब से अपनी जनता को ये बता चुके हैं कि ये बॉर्डर है, और अब अगर हम वो और पीछे जाते हैं तो उनका भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है यानी कि शी जिनपिंग को भी जवाब देना कम्युनिस्ट पार्टी में मुश्किल होता है, इस कारण से वो भी पीछे नहीं जाना चाहते। तीसरी चीज क्या है कि तिब्बत और शिनजियांग उनका जो प्रोविंस है इसके बीच में रोड और रेल का सबसे जो नजदीक हिस्सा है और सबसे जो वो इन्होंने पहले G219 एक रोड बनाई थी, अब अगर वो लोग जहां बैठे हैं वहां बैठते हैं तो वो रोड के भारत उसमें उस रोड के ऊपर खतरा नहीं है, तो इसलिए वो उसको बचाना चाहता है, और उसी के साथ साथ वो एक रेल लाइन भी बनाना चाहता है और एक नई रोड भी बनाना चाहता है। ये अगर वो बनाता है तो ये बना के उसको शिनजियांग के साथ उसको उसका कनेक्शन अच्छा हो जाता है और वहां पर बिजली भेजना पानी भेजना और जो ये कजाकिस्तान वगैरह से बिजली वगैरह आएगी और तेल आएगा वो आसानी से इन जगह पे पहुंच सकता है, तो ये उसको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चाहिए, तो इस कारण से उसने क्या किया है। अब जो ये आज का समझौता हुआ है इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इंप्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो जो स्ट्रक्चर उसने बना दिए इतनी आसानी से वो तोड़ने वाला नहीं, ना ही वो उसको तोड़ेगा। प्री 2020 की जो हम बात कर रहे हैं
कई मीडिया हाउसेस में, कई चैनल्स के ऊपर भी चल रहा है जी कि अभी समझौता हो गया, प्री 2020 में पहुंच जाएंगे। मेरा अपना एज एनालिस्ट मानना है कि पेट्रोलिंग की जहां तक बात है वो मेरे विचार से इंप्लीमेंट हो जाएगा, इंप्लीमेंटेबल है। अब होगा क्या नहीं होगा वो तो हम आगे देखेंगे, हम सब देखेंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंटेबल है। उसी मुताबिक डिसएंगेजमेंट हो जाए वो भी इंप्लीमेंटेबल है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अचानक से कुछ लड़ाई शुरू हो जाए, और हम भी नहीं चाहते। उसी के साथ साथ ट्रेड का जहां तक सवाल है वो जरूरी है, क्योंकि अभी अगर हम अपनी हालत देखें तो कई सारे रॉ मटेरियल हमारे पास चीन से आते हैं, जो सबसे सस्ते चीन ही देता है और कोई नहीं देता। वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग चीन के पास है, और वो मैन्युफैक्चरिंग जो है चाहे हम कुछ भी करें, हम लोग उसके उसकी उस डिपेंडेंसी से हम अभी तक उभर नहीं पाए हैं। और दूसरी मुसीबत क्या हो रही है कि इन लोगों का अभी आप देखें, कहना तो आसान है, हम सब भी फौजी हैं, कभी भी अगर हमें बोले कि भाई आप आगे जाइए, आप भी चीन का इतना तकरीबन 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, अगर वो हमारे यहाँ घुस जाते हैं तो हम भी घुस सकते हैं उनके यहाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम घुसे भी, क्योंकि जब वो उतर नहीं रहे थे तो हम कैलाश रेंज में जाके बैठ गए, फिर उनको नीचे उतरना पड़ा। तो ये क्विड प्रो को इसको हम बोलते हैं, जैसे को तैसा वाली मिलिट्री कार्रवाई, तो ये हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर हम इसको करते हैं और अचानक से, क्योंकि हमारी दूसरी जगह भी ये कहानी अटकी हुई है, 80% मोबाइल आ रहा है चीन से, सामान पूरा आ रहा है चीन से, रॉ मटेरियल आ रहे हैं चीन से, आज की डेट में हमारी मैक्सिमम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो फार्माक्यूटिकल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो चीन से आ रहे हैं, वो बोलता है जी मैं बंद कर देता हूं, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क पड़ सकता है। तो मुसीबत क्या है कि हालांकि जो बॉर्डर इशू है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है इसमें, और हमने भी एक बहुत बहादुरी दिखाई है, डिप्लोमेसी की भी इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि हमने अपनी बात मनवाई, उसी मुताबिक वर्ल्ड में अगर किसी ने इनके टिकटॉक वगैरह के खिलाफ अभी तक अमेरिका अभी तक एक्शन नहीं ले पाया है, हमने लिया एक्शन, तो गवर्नमेंट ने भी कार्रवाई दिखाई, उनके जो एप्स हैं जो जिनसे हमें लग रहा था कि खतरा है, तो कुछ एक्शन हमने लिए हैं। लेकिन एकदम अगर उसको कट ऑफ कर सकें, वो ना अमेरिका कर पा रहा है ना हम कर पा रहे हैं। अमेरिका और चीन के भी एक तरीके से शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन क्या इन दोनों का ट्रेड आपस में बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हुआ। अच्छा, उसी मुताबिक अगर आप देखें इसी स्टैंड ऑफ के दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, हमारा ट्रेड भी बढ़ गया। तो एक बात ये मानी जा रही है कि यार जो फौजी हैं वो तो बेचारे सर्दी में वहां पे बैठे हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और यहाँ पे ट्रेड बढ़ाए जा रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो मानने को तैयार नहीं है, और जो आम जनता है उसमें भी ये मानना पड़ेगा कि भाई सस्ता सामान चीन से आ रहा है, तो कोई ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा चीन का सामान, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो उसमें कारण ये है कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई अगर सस्ता सामान है, महंगाई है, तो लोग खरीदेंगे, इसमें भी कोई अफसोस मनाने वाली बात नहीं। दूसरी चीज, ट्रेड का जहां तक सवाल है, ये भी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, चीन ने क्या किया था, उसकी चीन की एक पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी भारत को भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उसकी ये थी कि पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाओ, और उसके बाद में अपनी दादागिरी और अपनी जो मसल्स हैं वो दिखाना शुरू करो। तो वही चीज हमारे लिए भी लागू है कि पहले अपनी इकोनॉमिकली हमें पहुंच जाना चाहिए नंबर 3 के स्पॉट पे, पहले जल्दी हम पहुंचे, बाकी चीजें अपने आप होंगी। क्योंकि पैसा होगा तो मिलिट्री ताकत भी बढ़ेगी, पैसा होगा तो हर चीज बढ़ेगी। तो इस चीज को मेरे विचार से प्रैक्टिकली लोगों ने ठीक से सोचा होगा, और सोचने के बाद में ये बातचीत हुई है, दोनों देशों के हित में ऐसा माना जाता है। एक और चीज मैं बताता हूं, एक सामरिक एनालिस्ट के तौर पे, अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो अमेरिका सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि दोनों जो है वो उन दोनों का नुकसान होगा, दोनों की इकोनॉमी डाउन होगी, और जो वेस्ट का वर्चस्व है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अब ये समझदारी भारत और चीन की है कि भैया तो आप आपस में मत लड़ो, और आप भी बढ़ो आगे, क्योंकि ये सेंचुरी जो है ये एशिया की सेंचुरी है। इस सेंचुरी में अगर हम लोग अच्छी एक पीसफुल बॉर्डर मेंटेन कर पाए, और पीसफुल बॉर्डर मेंटेन करके अगर हम अपनी इकोनॉमिक आगे बढ़ा पाए, तो बाकी चीजें हम कर सकते हैं। और अगर इतने साल हो गए हैं तो जाहिर है कि और हमने जो भी जो है अभी तक वो नहीं छोड़ा है, हिम्मत नहीं छोड़ी है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अभी भी चाहे बॉर्डर एग्रीमेंट कुछ भी हो, हमें
बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारी फौजों को ये यकीन करना पड़ेगा कि डिसएंगेजमेंट चाहे जो मर्जी बोलते रहो लेकिन एनक्रोचमेंट की कोशिश वो हमेशा करते रहेंगे। उनकी पॉलिसी है कि जितनी जमीन बिना लड़ाई के जीती जा सके वो जीतेंगे, और उसको हमें रोकने के लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भैया डेवलप वहां पर मुस्तैदी से हमें बॉर्डर की रक्षा करनी पड़ेगी। जी सर, आपने चाइना की दादागिरी की बात की, तो उससे मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि चाइना की दादागिरी वहीं तक बॉर्डर्स या इस तरह से ही सीमित नहीं है, ब्रिक्स में भी वो दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका, और इनफैक्ट पाकिस्तान ने अप्लीकेशन लास्ट ईयर अगस्त में अप्लाई किया, तो उसके बाद टर्की, अज़रबैजान, मलेशिया, और इन लोगों ने भी फॉर्मली अप्लीकेशन डाली थी ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स में भी वो अपना वर्चस्व साबित करना चाहता है, जो उनकी फेवर्ड नेशन है, जो चाइना के कहीं ना कहीं नीचे दबके रहते हैं, जहां पर वो पैसा उनको उधार देता है। तो ऐसे में वो दादागिरी, और खासतौर से पाकिस्तान को लेकर सर सवाल, क्या इंडिया पाकिस्तान की जो जो मेंबरशिप है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, उसको सपोर्ट करेगा या नहीं? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, और बिल्कुल ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। चीन की ये कोशिश है कि ब्रिक्स और SCO ये दोनों एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बने और उनके समर्थक इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हों, और ज्यादा से ज्यादा समर्थक इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हों, इसलिए वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाना चाहिए। लेकिन भारत की ये कोशिश है कि भाई हम एंटी वेस्ट नहीं है, हम नॉन वेस्ट है, हम वेस्ट नहीं है लेकिन हम एंटी वेस्ट भी नहीं है। तो उस कारण से हम एक ब्रिज के तौर पे हैं जो SCO और ब्रिक्स को वेस्ट से जोड़ता है, ये हमारी एक भूमिका है। और ब्रिक्स में अभी तक जैसा मेरा अपना जो जैसे मेरी अपनी समझ है, किसी भी एंट्री के लिए सबका यस बोलना जरूरी है। तो उसमें अभी देखना पड़ेगा कि भारत की जो कूटनीति है और जो हमारे डिप्लोमेट्स है, ये कहाँ तक पाकिस्तान की एंट्री को रोक पाते हैं। SCO में पाकिस्तान ऑलरेडी शामिल है और बांग्लादेश शामिल होना चाह रहा है, क्योंकि मैं पिछले साल गया था SCO की जो थिंक टैंक लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें शंघाई गया था मैं, तो वहां पे जब बातचीत हो रही थी, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो बांग्लादेश ने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी कि भाई कारण बताया था कि हम क्यों हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं SCO के लिए। वही चीज ब्रिक्स के लिए लागू है। दूसरी चीज क्या हुई है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गया। अब यूनाइटेड नेशन अपना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उसने चेंज की नहीं, UNSC का एक्सपेंशन हुआ नहीं है। तो UNSC का एक्सपेंशन नहीं होने के कारण भारत हालांकि सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलेटेड देश है लेकिन वो UNSC में है नहीं, तो उसका वर्चस्व कुछ रह नहीं जाता, लड़ाई वो कोई रोक नहीं पा रहे हैं, कहीं पर भी जो UN है वो इफेक्टिव नहीं है। तो अब पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को ये लगता है कि भाई ग्लोबल प्रॉब्लम का, जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम का वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन UN देने की हालत में नहीं। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद ये ऑर्गेनाइजेशंस इन सॉल्यूशंस को दे पाए, इसलिए एक लंबी वेटिंग लिस्ट है SCO के लिए और एक लंबी वेटिंग लिस्ट है ब्रिक्स के लिए। लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये लोग क्या क्यों चाह रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका इसमें घुसना, कि भाई श्रीलंका को पता है मेरे को लोन IMF नहीं देगा, अगर IMF नहीं देगा ये ब्रिक्स बैंक से क्या पता मैं लोन ले पाऊं, उनका ये इंटरेस्ट है। पाकिस्तान का भी यही इंटरेस्ट है। हमें ये बताना पड़ेगा कि भैया अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चाहते हैं कि ये स्ट्रांग रहे, ये इफेक्टिव रहे, तो हमें ऐसे मेंबर नहीं लाने चाहिए जो इस ऑर्गेनाइजेशन को डुबा दें, क्योंकि हमें एक हर मेंबर जो नया आने वाला है उसको ऐसे एनालाइज करना चाहिए कि भाई वो ब्रिक्स में क्या नई चीज ला सकता है और ब्रिक्स को कैसे स्ट्रांग बना सकता है। और अगर ऐसा कंट्री आता है जो ब्रिक्स को स्ट्रांग बनाने के बजाय वीक बनाता है तो उसे क्यों शामिल किया जाए। तो इस आर्ग्यूमेंट के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा। अब हम कितने सफल होते हैं ये आगे चल के देखा जाएगा, और ये आगे मतलब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जाहिर है कि ये चैलेंज हमारे सामने आएगा। और ये आपने बिल्कुल सही समझा, उसी मुताबिक रूस ने भी बेलारूस को उसमें SCO में शामिल किया, उसी मुताबिक आसपास वाले कई देशों को शामिल कर रहे हैं। एक्सपेंशन के खिलाफ भारत नहीं है, लेकिन भारत का ये पॉइंट जरूर रहेगा
कि जो भी मेंबर आता है वो उस संस्था को मजबूत बनाना चाहिए। तो इस पैरामीटर के बेसिस पे अगर भारत जो है इन एंट्रीज को सेलेक्टिव कर सकता है और ठीक कर सकता है, तो मेरे विचार से वो एक बहुत अच्छी जीत होगी इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए। सर एक क्विक रिएक्शन जो आज का एक डेवलपमेंट है उसके लिए कि जो ब्रिक्स समिट के दौरान शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही ने कई अहम बातें कही, जिसमें अगर हम शी जिनपिंग की बात करें तो उन्होंने कहा ग्लोबल साउथ की बात की, इकोनॉमी की बात की, और रशिया यूक्रेन और गाजा जो ये युद्ध चल रहा है इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये जो दौर चल रहा है इसे भी हमें दुनिया के सामने एक बड़ा मिसाल पेश करने की जरूरत है, इस संघर्ष को रोकने की जरूरत है। और इससे ये जो ब्रिक्स की भूमिका की अगर हम बात करें इन संघर्षों को रोकने के लिए, तो किस तरह और कैसे क्या भूमिका निभा सकता है ब्रिक्स? देखिए ब्रिक्स में सभी कंट्रीज तो नहीं, लेकिन भारत की एक अच्छी अहम भूमिका है इन चीजों के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अगर कोई भी जो नेता है वर्ल्ड का जो दोनों से बात कर सकता है वो प्रधानमंत्री मोदी उसमें से एक है। उन्हीं दो तीन नेता ही हैं ऐसे जो दोनों से बात कर सकते हैं, जो पुतिन से भी बात कर सकते हैं और ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं, जो नितिन्याहू से भी बात कर सकते हैं और अब्बास से भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे में मध्यस्थता का एक ऑप्शन है, लेकिन मध्यस्थता में भारत को तभी पढ़ना चाहिए जब ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट जो जिनके बीच में लड़ाई चल रही है वो बोले कि भाई आप मध्यस्थता कीजिए। अभी दोनों ही नहीं चाहते, रूस भी नहीं चाहता है कि वो इस समय मध्यस्थता की जाए। तो क्योंकि रूस को भी अभी एक क्रूशियल जंक्चर पे है, वो भी उनकी जो लड़ाई है, ये सवाल मेरे से रशियन टेलीविजन में पूछा गया था, तो मैं ये बता दूं कि अभी वो चाहेंगे कि भाई जो कुर्क से यूक्रेनियंस को पहले बाहर खड़े दें और जितना डोनेट्स बचा है डोनेट्स रीजन वो कैप्चर कर लें, उसके बाद ही वो बात करेंगे पीस की, उससे पहले वो बात नहीं करने वाले। उसी मुताबिक ज़ेलेंस्की वो अपना एक और नया प्लान बनाते रहते हैं, हर रोज एक नया पीस प्लान बनाते हैं और उसमें बोलते हैं कि रूस सब कुछ वापस कर दे मेरा, वो पॉसिबल है नहीं और सबको पता है कि ये तो होने वाला है नहीं, लेकिन वो अपना बात बनाते रहेंगे क्योंकि अमरीका के इंटरेस्ट में है कि भाई लड़ाई चले तो उसके हथियार बिकते रहेंगे, तो वो लगे हुए हैं कि भाई ठीक है हम आपकी मदद करेंगे और आप लड़ते रहो। तो अगर अमरीका की माने तो भैया जब तक लास्ट आखिरी यूक्रेनियन लड़ता है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें तो पैसा देना है और पैसा भी वो कमा लेंगे बाद में, क्योंकि उनकी ये एक जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं उनका ये कहना है कि भाई जितना लोन वो दे रहे हैं, जितना भी पैसा दे रहे हैं अमेरिकन और यूरोपियंस यूक्रेन को, वो ग्रांट नहीं है, एड भी नहीं है, वो मोस्टली लोन है। उस लोन को जाहिर है कि यूक्रेन तो चुका नहीं पाएगा, तो उनका ये है कि जो उनके ग्रेन फील्ड्स हैं वो गिरवी रखे जाएंगे, तो 99 ईयर लीज में ले लिया ग्रेन फील्ड, तो ऐसे वो पैसे कमाएंगे। हाँ, तो ये साहूकार वाली कहानी है और उसी मुताबिक ये जो इनका भी जो है अभी इसका यूरोप वालों का भी यही है कि इन्होंने एक जो रशिया के जो एसेट्स फ्रीज किए थे उसका जो इंटरेस्ट है उनका, उनके पैसे जो उनके बैंकों में पड़े थे, रूस के पैसे जो पड़े थे उनके बैंकों में रिजर्व्स, उनको उन्होंने क्या किया कि इससे जो इंटरेस्ट आएगा वो पैसा हम देंगे इसको यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन को किस्त ना भरनी पड़े। अब उसकी पलट कार्रवाई भी होगी क्योंकि ऐसा है कि बहुत बिजनेस इन लोगों का भी रूस में चल रहा था, तो अभी रूस ने बीच में अनाउंस किया था कि ये सारा का सारा जो तुम्हारे जितने एसेट्स हैं वो भी मैं लेके बैठ जाऊंगा, आप फिक्र मत करो, उसका भी उसका इंटरेस्ट मैं खाऊंगा। तो ये कहानी चलती रहेगी, लेकिन ब्रिक्स क्या कर सकता है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन लड़ाइयों से एक चीज साफ नजर आई है कि डॉलर की जो प्रोमिनेंस है, जो डॉलर की जो दादागिरी है, और ये सैंक्शंस ये लोग जो लगा देते हैं कि जब भी कोई उनकी बात नहीं सुनता उसके ऊपर सैंक्शन लगा दो या उनके एसेट्स फ्रीज कर दो या उनको स्विफ्ट जो पेमेंट सिस्टम है वर्ल्ड का उससे हटा दो, तो ये तीन जो इसको एक तरीके से इकोनॉमिक टेररिज्म कहा जाता है या इकोनॉमिक ऑफेंसिव कहा जाता है, तो ये जो हथियार है इसके ऊपर, क्योंकि आज इनके ऊपर हो रहा है कल को ये हमारे ऊपर भी हो सकता है, तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर भी ये बात कही गई है, यूएनएससी की भी बात कही गई है और ब्रिक्स में जो अभी जो कजान जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं ये जो अभी निकल के सामने आया है आज, उसमें ये बात भी कही जा रही है कि भाई हमें जो अपने पेमेंट सिस्टम है वो नेशनल करेंसी में करने चाहिए
और भारत ने भी एक प्रस्ताव रखा है उनके सामने कि देखिए हम लोग यूपीआई पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, तो सभी के सभी देश जो है अगर वो इसको अडॉप्ट करते हैं तो स्विफ्ट की जरूरत नहीं रहेगी, हम आपस में तो कर सकते हैं। तो जितने देश बढ़ेंगे और जितना आपस में ये अगर यूपीआई पेमेंट वगैरह शुरू हो जाता है तो मेरे विचार से इस दादागिरी से हम बच पाएंगे। तो ये एक और कंट्रीब्यूशन है जो ब्रिक्स कर सकता है। बिल्कुल, और आगे और क्या कुछ इस समझौते में और बाकी सारी चीजें निकल के आएंगी वो आगे जो भी सामने आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी अहम बातें बताई और पूरी क्लैरिटी इस पूरे मुद्दे और मसले को लेकर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर।